नमस्कार मित्रों, स्वागत है। मैं रुद्रेंद्र शरण मिश्रा अयोध्या से, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन आसो नई दिल्ली, पंजीकृत संगठन उत्तर प्रदेश अयोध्या से हूँ। आदरणीय श्री योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ, साथ सम्माननीय डीएम साहब कानपुर उत्तर प्रदेश, साथ सम्माननीय डीजीपीआई कानपुर रेंज उत्तर प्रदेश, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदर सम्मान सहित नमस्कार। शुक्रवार 3 जुलाई 2020 को प्राप्त दुखद समाचार के अनुसार कानपुर के पास चौबेपुर में जो हिंसक घटना हुई, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करी और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के वीर 8 बहादुर पुलिस अधिकारी तथा पुलिसकर्मी शहीद होने का समाचार सुनकर बहुत बहुत दुख हुआ। मैं रुद्रेंद्र शरण मिश्रा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार उपाध्यक्ष व हमारे परम आदरणीय श्रेष्ठ भ्राता, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले परम आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मानवाधिकार संगठन आसो दिल्ली, पंजीकृत संगठन निवासी नागपुर महाराष्ट्र से परम आदरणीय दिनेश शर्मा जी व एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय विधि सलाहकार राष्ट्रीय प्रवक्ता निवासी दिल्ली श्री नरेश वर्मन जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव निवासी भोपाल मध्य प्रदेश श्री रमाशंकर गुप्त जी, उत्तर प्रदेश निवासी बनारस उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार शर्मा, प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम दौरा पोस्ट भैसैयापुर जिला कन्नौज, डॉक्टर संजय शर्मा महासचिव उत्तर प्रदेश निवासी आगरा तथा सभी राज्य के पदाधिकारियों की ओर से शहीद हुए सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को साथ सम्मान सहित श्रद्धांजलि। इस दुख की शोक की घड़ी में मानवाधिकार संगठन आसो दिल्ली शहीद परिवार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है। ओम शांति शांति शांति।